खबर अजमेर के नसीराबाद से। नसीराबाद में करीब 100 वर्ष पुरानी नरसिंह गौशाला में पहुंचकर आवाज इंडिया न्यूज टीम ने की गौशाला अध्यक्ष पूर्व पार्षद कन्हैलाल से खास बातचीत, जिसमें उन्होंने बताया कि अभी गौशाला में 15 से 20 लाख रुपए का चल रहा है सेवा कार्य। कई समाज सेवी देते हैं यहाँ अपनी सेवाएं, शहरवासियों व ग्रामवासियों का रहता है यहाँ विशेष योगदान और राजस्थान सरकार द्वारा भी गौशाला में सहयोग दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आवाज इंडिया न्यूज में। आइए हम आपको लेकर चलते हैं नरसिंह गौशाला नसीराबाद में, जिसके अध्यक्ष श्री कन्हैया लाल जी से आज होगी हमारी खास मुलाकात। तो आज हम जो नरसिंह गौशाला के अध्यक्ष है कन्हैया लाल जी, जो काफी वर्षों से यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं बहुत लंबे समय से, आइए आज हम इनसे खास एक बातचीत करते हैं। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई साहब। अरे जो आपको जो सेवा के जो कार्य कर रहे हैं वो किस किस प्रकार नरसिंह गौशाला में चल रहे हैं? बहुत बढ़िया चल रहे हैं नरसिंह गौशाला में। मैं 22 वर्षों से करीब यहाँ से गौशाला का सेवा दे रहा हूँ। 255 गौवंश हैं यहाँ पे और सभी स्वस्थ हैं। और अभी बीच में लंपी भी की बीमारी चली थी, जिसमें हमारी एक भी गाय लंपी में नहीं है। भाई साहब एक बात एक पूछना था, ये जो जैसे अपने नरसिंह गौशाला द्वारा ये जो गरीब ऐसा ही लोग हैं जो हमने सुना भी है नसीराबाद में कई लोगों से, आप उन्हें फ्री जो गरीब ऐसा ही लोग होते हैं फ्री लकड़ियाँ निःशुल्क गाड़ियाँ भी उपलब्ध कराते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देते। नरसिंह गौशाला मुख्य गांव पास होने का लकड़ियों की सेवा करती है। गरीब या ऐसा कोई भी होता है लावारिस होता है, हम उसे सारी सुविधाएं निःशुल्क देते हैं, जो कि काफ़ी जनों से जन सहयोग से भी हो जाता है। वैसे हम 24 घंटे तैयार रहते हैं गरीब उठाए के। तो देखिए दोस्तों, हमारे जो यहाँ के नरसिंह गौशाला के अध्यक्ष है कन्हैया लाल जी, इनसे हमने बातचीत की है, तो ये अपनी सेवाएं कई लंबे समय से यहाँ पर दे रहे हैं और नसीराबाद में काफ़ी